लेट्स सी सैंडविच थ्योरम. फाइन, तो स्टेटमेंट क्या है? इफ दिस इनइक्वालिटी इज सैटिस्फाइड, एफ एक्स इज बिटवीन जी एक्स एंड एच एक्स फॉर एक्स इन द नेबरहुड ऑफ ए. तो इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है इन सम नेबरहुड ऑफ ए. फाइन, h का मीनिंग आप समझ रहे हो, h इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी. ठीक, एज वेल एज लिमिट ऑफ जी एक्स एज एक्स अप्रोचेज ए, लिमिट ऑफ एच एक्स एज एक्स अप्रोचेज ए. अगर ये दोनों लिमिट इक्वल है तो हम कहते हैं कि एफ एक्स की लिमिट को भी इक्वल टू l होना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ सैंडविच थ्योरम. आई थिंक बहुत आसानी से कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि मुझको एक बहुत स्मॉल इंटरवल इन द नेबरहुड ऑफ ए पर ये रिलेशन नोन है. मतलब देर आर टू फंक्शंस जी एंड एच, वन फंक्शन इज बिलो एफ एक्स एंड वन फंक्शन इज अबव एफ एक्स. अब ये जो मैं ग्राफ कंसीडर कर रहा हूँ दैट इज अबाउट ए. ठीक है, तो अबाउट ए कुछ ऐसा सिचुएशन है दैट लाइक दिस, दिस इज माय एच एक्स फंक्शन एंड जी एक्स फंक्शन इज लाइक दिस. लेकिन आप ऑब्जर्व कर रहे हो एज एक्स अप्रोचेज ए, जी एंड एच दे विल अप्रोच टू सेम वैल्यू. ठीक है, तो एज एक्स अप्रोचेज ए जी का वैल्यू और एच का वैल्यू सेम आ रहा है. अच्छा, फर्स्ट इस बात को फॉलो करना, ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ ये आपको देखने में एक लार्ज इंटरवल दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने जो कंसीडर किया है दैट इज ओनली ए माइनस एच टू ए प्लस एच इंटरवल. तो ये एक पॉइंट की तरह है ना, इसको मैंने बहुत मैग्नीफाई करके आपको ग्राफ शो किया हुआ है. तो ये ग्राफ मुझे अपीयर करेगा एज ए पॉइंट. ठीक है, तो ये बहुत स्मॉल इंटरवल है जो आपको मैग्नीफाइड इतना बड़ा इंटरवल दिख रहा है. ठीक, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज वेरी क्लोज टू ए, राइट. तो ये मैंने एजम्पशन ए माइनस एच टू ए प्लस एच के लिए रिप्रेजेंट किया हुआ है. अब जो एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन इन दैट इंटरवल विल बी बिटवीन जी एंड एच. तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन एफ एक्स फंक्शन दोनों के बीच से पास करेगा, लेकिन जिस पॉइंट पर दोनों फंक्शन सेम वैल्यू को अटेन कर रहे हैं तो मानते हो थर्ड फंक्शन विच इज सैंडविच्ड बिटवीन देम विल हैव टू पास थ्रू द सेम वैल्यू. सही है, तो ऑटोमेटिकली क्लियर फ्रॉम द इनइक्वालिटी कि एफ को सेम लिमिट एक्सटेंडिंग ए पर अटेन करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी. ठीक है, तो फ्रॉम दिस कंडीशन I can imply this will also be true. So this is the sandwich theorem. ठीक है, तो now onwards we will be using this as a result. Fine. अब थोड़ा सा हम application देख लेते हैं of the theorem. लेट्स टेक दिस प्रॉब्लम. आई थिंक ये लिमिट आप इसे डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो, है ना. दिस विल बी जीरो एंड दिस विल बी अ फाइनाइट नंबर बिटवीन माइनस वन एंड वन. तो जीरो इंटू फाइनाइट आंसर विल बी जीरो. तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हम डायरेक्ट आंसर कर पा रहे हैं, बट सेम प्रॉब्लम हम सैंडविच थ्योरम से भी जा सकते हैं. आई एम यूजिंग द फैक्ट, तो सैंडविच थ्योरम यूज करने के लिए आई थिंक आप आइडिया समझ गए कि मुझको दो फंक्शन देने हैं, वन इज बिगर एंड वन इज लेस देन दिस फंक्शन, और दोनों फंक्शन की लिमिट सेम आ जाए. अगर वो दो फंक्शन की लिमिट सेम आ गई तो मैं यूजिंग सैंडविच थ्योरम आपको गिवन फंक्शन की लिमिट दे दूंगा. ठीक, तो आई एम लुकिंग फॉर टू फंक्शंस, तो आई यूज द फैक्ट. आई थिंक ये वेल नोन फैक्ट है, हर कोई समझता है.
इससे मुझे ये इम्प्लाई हो गया, ठीक। नाउ एंड आइडिया क्लियर। तो आई थिंक बोथ दी फंक्शंस हैव सेम लिमिट इक्वल टू जीरो। तो यूजिंग सैंडविच थ्योरम मैं इंप्लाई कर सकता हूं दिस विल गेट सेम लिमिट इक्वल टू जीरो यूजिंग सैंडविच थ्योरम। आइडिया क्लियर, काफी आसान थ्योरम है और बहुत यूजफुल थ्योरम है, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्क्वायर ब्रैकेट डिनोटिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगेन देर आर टू वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं विदाउट सैंडविच थ्योरम भी कर सकता हूं एंड यूजिंग सैंडविच थ्योरम भी कर सकता हूं। विदाउट सैंडविच थ्योरम अगर करना चाहें तो बहुत आसानी से ग्रेटेस्ट 5/x को मैं लिख सकता हूं लाइक दिस, फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ 5/x। दिस नाउ बिकम ठीक है। तो आई थिंक फ्रॉम हियर मैं कह सकता हूं 5/3 माइनस दिस क्वांटिटी अप्रोचेस टू जीरो एंड फ्रैक्शन फंक्शन से हर कोई फैमिलियर है, दिस लाइज बिटवीन 0 to 1। तो 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर बिटवीन 0 to 1, सो दिस विल गेट 0, है ना। दिस क्वांटिटी विल टर्न 0, तो आंसर बिकम 5/3, ठीक। नाउ सेम प्रॉब्लम को हम सैंडविच थ्योरम की हेल्प से देखते हैं। सैंडविच थ्योरम में आप समझ गए कि मुझे दो फंक्शन ला के दिखाने, वन इज बिगर एंड वन इज लेस, और दोनों की लिमिट सेम आ जाए, ठीक। तो मैं लिमिट ऑफ दिस यूजिंग सैंडविच थ्योरम बता पाऊंगा। आई थिंक आप ग्रेटेस्ट इंटीजर कि इस इनइक्वालिटी से 100% फैमिलियर हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नंबर या तो लेस देन इक्वल टू नंबर होता है, ठीक है, एज वेल एज मोर देन नंबर माइनस वन है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से हम फैमिलियर हैं, तो डेफिनेटली ये इनइक्वालिटी सबको क्लियर है। नाउ फ्रॉम दिस स्टेप डेफिनेटली इस स्टेप पर ये डिपेंड करेगा x पर, x पॉजिटिव या x नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव लोगे तो इनइक्वालिटी सेम आएगी, अगर x नेगेटिव लोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स आएगी, ठीक। लेकिन मुझे कुछ मैटर नहीं करता कि इनइक्वालिटी रिवर्स हो रही है या सेम रह रही है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही केस में सैंडविच थ्योरम से मुझे रिजल्ट सेम मिलेगा, बिकॉज मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज 5/3 एज वेल एज लिमिट ऑफ दिस फंक्शन
इज ऑल्सो 5/3. तो मैं कह सकता हूँ यूजिंग सैंडविच थ्योरम दैट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन विल ऑल्सो बी फाइव बाई थ्री यूजिंग सैंडविच थ्योरम. तो आई थिंक आपने समझा मेरी बात को ना. मैंने ये इनइक्वालिटी पर क्या कमेंट किया था कि या तो इनइक्वालिटी ये आएगी या इनइक्वालिटी रिवर्स आएगी, है ना. मतलब ये सिचुएशन या फिर ये सिचुएशन. लेकिन आप फॉलो कर रहे हो, चाहे आप इस इनइक्वालिटी से जाओ और चाहे आप इस इनइक्वालिटी से जाओ, दोनों ही केस में सैंडविच थ्योरम से मुझे रिजल्ट आई गेट इक्वल टू 5/3. ठीक है, आई होप प्रॉब्लम सभी को क्लियर है. राइट, लेट्स टेक दिस प्रॉब्लम. आई थिंक ये सीरीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये सीरीज तो सॉल्व नहीं होगी. ठीक है, अगेन मैं सैंडविच थ्योरम के आइडिया से जा रहा हूं. मैं ये नंबर को बोल सकता हूं इज लेस देन दिस नंबर. रीजन सभी को क्लियर, डिनोमिनेटर कम होने से नंबर की वैल्यू ज्यादा आएगी. सिमिलरली दिस विल ऑल्सो बी लेस देन दिस. ठीक, तो अगर मैं हर एक नंबर तो आई थिंक मैं कह सकता हूं ये नंबर तो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज लिख लिया, और ये नंबर को बोल दिया लेस देन दिस. आई थिंक सभी को क्लियर, दिस नंबर इज गोइंग टू बी लेस देन दिस. सिमिलरली दिस नंबर इज गोइंग टू बी लेस देन दिस and so on. तो ये पूरा expression less than this आ गया. Now I am looking for a function which is bigger than this function. तो आप समझ पा रहे हो कि अगर मैं सबको denominator largest n square plus n दे दूं, तो मानते हो larger the denominator smaller the value. Fine. तो मैं कह सकता हूं this will be more than I think ye thought sabhi ko samajh aana chahiye ki why this expression is bigger than this. Theek, to isse mujhe obtain ho gaya this quantity is less is more than this. अब आप देख पा रहे हो कि लिमिट ऑफ दिस एज एक्स अप्रोचेज इंफिनिटी एन अप्रोचेज सॉरी एज एन अप्रोचेज इंफिनिटी लिमिट ऑफ दिस कम्स आउट 1. सिमिलरली लिमिट ऑफ दिस is also 1. तो मैं कह सकता हूँ finally कि limit of this using sandwich theorem must be 1. Easy? I think concept clear. ठीक है, तो आगे हम भी problems में sandwich theorem का apply कर पाएंगे आगे. Right? Now, let me come to trigonometric limit.
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड लिमिट्स देख लेते हैं। अभी मैं रिजल्ट्स पुट कर रहा हूं, आगे मैं अभी इसके प्रूफ दिखा दूंगा। ओके, आप रिजल्ट्स नोट डाउन कर लो, मैं प्रूफ लेता हूँ फिर। तो लेट्स टेक फर्स्ट लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स। मैंने क्या किया, मैंने कंसीडर किया एक सर्कल, कुछ भी रेडियस मान लो, से रेडियस आर, सेंटर ओ एंड दिस पॉइंट बी सम ए पॉइंट, ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं। नाउ एट ए ड्रॉन अ टेंजेंट अब एक एंगल एक्स कंसीडर किया है मैंने, ठीक है, तो आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ एक्स, एक्सटेंडेड इट टू मीट टेंजेंट एट सम पॉइंट। नाउ मैं पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, लेट्स से दिस पॉइंट बी बी एंड दिस पॉइंट इज सी, ठीक है, आई होप आप पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, है ना। तो टेंजेंट पर पॉइंट मैंने बी ले रखा है और ये जहाँ पर ओ बी सर्कल को कट कर रहा है सर्कमफेरेंस को, दैट पॉइंट इज सी, ठीक। नाउ अगर हम इस लिमिट को देखें तो आई थिंक इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही सेम आने वाले हैं, बिकॉज आप चाहे एफ ऑफ एच लिमिट लिखो चाहे एफ ऑफ माइनस एच लिखो, एक्सप्रेशन सेम बनेगा, एफ ऑफ एच साइन एच अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग जीरो, एफ ऑफ माइनस एच साइन ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच, ठीक, विच इज सेम एज साइन एच अपॉन एच। तो मैं इसे सिर्फ राइट हैंड लिमिट के लिए प्रूफ कर दूं, मतलब कि मैं x पॉजिटिव के लिए प्रूफ कर रहा हूं। अगर मेरा राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 आ जाता है तो दैट इज सफिशिएंट टू प्रूफ कि दिस लिमिट इज गोइंग टू बी 1, क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपका LHL और RHL सेम बन रहा है, ठीक। तो मैं x को पॉजिटिव मान के मैंने ये कंस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है आपको। नाउ इस कंस्ट्रक्शन से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी इस कंस्ट्रक्शन से देखें इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। आई थिंक बहुत ईजिली हर कोई इस बात को आइडेंटिफाई कर पा रहा है ना, फिगर से समझ पा रहा है कि ट्राइंगल ओ ए सी का एरिया सेक्टर ओ ए सी के एरिया से कम होगा और सेक्टर ओ ए सी का एरिया ओ ए बी ट्राइंगल से कम होगा, ठीक है। नाउ ट्राइंगल ओ ए सी इज हाफ आर इंटू साइन एक्स, हाफ आर स्क्वायर साइन एक्स, सेक्टर ओ ए सी हाफ आर स्क्वायर एक्स, ट्राइंगल ओ ए बी हाफ आर बेस इंटू हाइट, हाइट आई थिंक हेयर इज आर टेन एक्स, हाफ आर स्क्वायर टेन एक्स। तो आई थिंक यहां से मैं कह सकता हूं एक्स सेटिस्फाई, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुआ। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं किस आइडिया के टूवर्ड्स जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स सैंडविच थ्योरम, है ना, सैंडविच थ्योरम की हेल्प से प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैं। नाउ आई गॉट दिस इनइक्वालिटी,
बस अब इस इनइक्वालिटी से आप आई थिंक मेरा इंटरेस्ट साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो फ्रॉम दिस स्टेप मैं कह सकता हूँ एक्स बाई साइन एक्स इज मोर देन वन इज लेस देन साइन एक्स से डिवाइड करके क्या आ गया टेन अपॉन साइन वन अपॉन कॉस एंड नाउ साइन एक्स अपॉन एक्स बिकम मोर देन कॉस एक्स लेस देन वन. सो दिस इज द इनइक्वालिटी आई एम गेटिंग है ना. दिस इज फॉर एक्स वेरी क्लोज टू जीरो एंड एक्स इज मोर देन जीरो राइट. मैंने ये एज्यूम करते हुए प्रॉब्लम किया था फाइन. ये मेंशन है. नाउ आई थिंक अब सैंडविच थ्योरम से बहुत इजीली आंसर कर सकते हो. इजीली देख सकते हैं हम लिमिट एक्स टेंड जीरो ऑफ कॉस एक्स इज वन एंड ऑब्वियसली लिमिट एक्स टेंड जीरो ऑफ वन इज ऑल्सो वन. तो बाय सैंडविच थ्योरम बिकॉज टू लिमिट्स आर इक्वल मैं कह सकता हूँ लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स इज गोइंग टू बी वन. ठीक है. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट आइडिया अबाउट दिस लिमिट इज कि ठीक है मुझे लिमिट तो पता होगी कि लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, बट आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू का भी आइडिया रखो कि एज एक्स अप्रोचेस जीरो एक्स जीरो अप्रोच होने पर साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो ठीक है नियर टू वन आएगा लेकिन ये वन से कम है. ठीक है. तो ये आइडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स को जीरो लेने पर क्लोज टू जीरो लेने पर अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जैक्टली गोइंग टू सो दिस नंबर इज गोइंग टू बी वन बट लेस. ये वन से बिल्कुल थोड़ा छोटा है ना वेरी क्लोज टू वन बट लेस. ठीक. तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू का भी आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है. रीजन बींग मैं बहुत छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ. मे बी कि क्वेश्चन पूछा गया मुझसे फाइंड दिस लिमिट नाउ. अब आई थिंक स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर राइट. दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. नाउ आई थिंक अब मैं एक्स टेंड्स टू जीरो पर नो डाउट दिस नंबर टेंड्स टू वन है ना नॉट इक्वल टू वन. दिस इज क्लोज टू वन सो दिस एंटायर प्रोडक्ट इज क्लोज टू 10 की पावर 6. तो मानते हो अब मैं कन्फ्यूज हूँ कि ये 10 की पावर 6 के क्लोज तो है लेकिन ये उससे कम है या उससे ज़्यादा है ना. बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर पर बहुत फर्क पड़ जाएगा. अगर नंबर मोर देन इंटीजर हुआ तो ग्रेटेस्ट की वैल्यू डिफरेंट होगी और अगर नंबर लेस देन इंटीजर हुआ तो कुछ और होगा रिजल्ट. ठीक. तो आई थिंक अब मैं इस कंसेप्ट की हेल्प से नाउ आई नो दैट दिस नंबर इज लेस देन वन है ना. दिस इज वेरी क्लोज टू वन बट लेस. तो मानते हो ये नंबर वेरी क्लोज टू 10 की पावर 6 बट लेस देन 10 की पावर 6 होगा. ठीक है. तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कितना निकला. सो आंसर शुड बी जस्ट बिफोर है ना इंटीजर जस्ट बिफोर 10 की पावर 6. तो 10 की पावर 6 के बिफोर कौन सा इंटीजर है ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 10 की पावर 6 माइनस 1. तो आंसर टू प्रॉब्लम इज दिस. ठीक है. तो आई थिंक आपको एक्स क्लोज टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू की इंपॉर्टेंस समझ आ गई है ना कि कितना इंपॉर्टेंट है ये बात मालूम होना कि ये नंबर वन से लेस होता है. ठीक. नाउ कमिंग टू 10 एक्स अपॉन एक्स आई थिंक इसी कैलकुलेशन से प्रोसीड करके ये मेरे पास रिजल्ट है. तो इस रिजल्ट से मैं कह सकता हूँ x अपॉन 10 एक्स लेस देन 1. आप समझ रहे हो ये सारी कैलकुलेशन x पॉजिटिव पर हो रही है.
क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आएगा. इन दिस प्रॉब्लम ऑल्सो 10x अपॉन x में भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आएगा. आप चाहे f ऑफ माइनस h लिख लो, चाहे आप f ऑफ h लिख लो, लिमिट गोइंग टू बी सेम, है ना. दोनों के एक्सप्रेशन सेम बन रहे हैं. नाउ डिवाइडिंग बाई 10x, साइन डिवाइड बाई 10, साइन डिवाइड बाई 10 बिकम cos x. नाउ आई गेट 10x by x. So again, I know the limit of sec x as x tends to 0 is 1. So again, sandwich theorem की help से मेरे limit का proof आ गया कि limit of 10x upon x is 1. ठीक है. Now again, जिस तरह से मैंने sin x upon x की एग्जैक्ट वैल्यू का आइडिया आपको बोला, सेम वे अभी जो मैंने इनइक्वालिटी लिखा था वहां से आपको क्लियर हो गया है ना. अभी जस्ट मैंने इनइक्वालिटी पुट किया था. क्या था इनइक्वालिटी? 10x अपॉन x इज बिटवीन 1 एंड sec x. आई थिंक हम इस इनइक्वालिटी पर एंड अप हुए थे, है ना. तो एज x इज क्लोज टू 0, for x very close to 0, we can remember the exact value of 10x by x. कि ठीक है, इसकी value, limiting value तो इसकी 1 आएगी, but this number is going to be more than 1, just bigger than 1, ठीक है. तो again it is important कि हम इस बात को ध्यान रखें कि x close to 0 होने पर 10x upon x की value 1 से just bigger आती है ना, very close to 1, that is 1.000, like this, है ना. तो अगेन तुम इस सेम एप्लीकेशन, सेम प्रॉब्लम को देख सकते हो. अगर मैं प्रॉब्लम कंसीडर करूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 की पावर 6, 10x अपॉन x. तो आई थिंक अब आपको आइडिया लग चुका है कि ये नंबर 1 से बिगर है, तो ये पूरा प्रोडक्ट 10 की पावर 6 से बिगर है. This will be just bigger than 10 की पावर 6, just bigger. तो greatest integer value कितनी आएगी number की, ठीक है. So this is going to be 10 raised to 6 only, ठीक है. तो I think idea clear. तो exact value की importance समझ में आ गई है ना, कि इसकी ज़रूरत हमको problems में पड़ सकती है. तो we must remember, है ना. तो हमको limit के result याद रखने के साथ में इसकी exact value का भी thought रखें तो better है, right? Now, two results, x tending 0, sin inverse x upon x. अब इसमें कोई खास बात नहीं रह गई है. Deriving these results, I think इसके लिए मैंने simple, I said कि put sin inverse x to be theta. ऐसा करने से expression बन गया theta upon sin theta. Now, अब limit theta में लिखनी होगी मुझे. तो लिमिट थीटा टेंड्स टू, आई थिंक अगर x 0 को टेंड करेगा तो थीटा विल ऑल्सो टेंड टू 0, है ना. बात समझ आ रही है. सो दिस बिकम थीटा टेंडिंग 0. तो लिमिट ट्रांसफॉर्म होकर ये कन्वर्ट हो गया, एंड दिस लिमिट आई नो वेरी वेल, दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है. अच्छा, आप आइडिया देख सकते हो. अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं, जैसे मैंने प्रीवियस केस में किया था कि x क्लोज टू 0, आई नो दैट दिस नंबर टेंड्स टू 1, बट वॉट अबाउट इट्स एग्जैक्ट वैल्यू? 1 के क्लोज, 1 से बिगर है, 1 से लेस है, या एग्जैक्टली इक्वल 1 है? तो क्लोज टू 0 इट इज गोइंग टू बी मोर देन 1. रीजन, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ये कन्वर्ट हुआ है, थीटा अपॉन साइन थीटा. और अभी मैंने साइन थीटा अपॉन थीटा की बात की थी. साइन थीटा अपॉन थीटा मानते हो आप 1 से कम है? तो अगर साइन थीटा अपॉन थीटा 1 से कम है, तो वट अबाउट थीटा अपॉन साइन थीटा इज मोर देन 1. सो दिस बिकम मोर देन 1, ठीक. तो आई थिंक सेम वे हम tan इनवर्स x अपॉन x को भी समझ सकते हैं, करेक्ट. तो आई थिंक ये रिजल्ट सबको क्लियर.
ये स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है बट इट इज़ वेरी यूजफुल, है ना, ये क्वेश्चंस में बहुत काम आती है। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि यू डायरेक्टली रिमेंबर दिस लिमिट, ठीक है, आप ये रिजल्ट को याद रखो, ये बहुत आगे काम में आता है, इम्पॉर्टेंट है। बाकी बोर्ड एग्जाम में अगर ये लिमिट आती है तो आपको इसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा, फाइन। नाउ आई थिंक टू प्रूव दिस रिजल्ट मेरे पास बहुत सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन हो जाएगा। 1 cos x को कैन राइट नाउ एक्स स्क्वायर, आई थिंक अब मैनिपुलेशन देख सकते हैं, मैंने इस तरह से लिख दिया। नाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि ये एक्सप्रेशन फॉर्मूले में आ गया साइन थीटा अपॉन थीटा, ठीक है ना। सो दिस इज 1/2 और अभी अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट इज 1, तो प्रॉब्लम का आंसर हाफ, ठीक। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे मैं इसको डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज करूंगा, राइट। ओके, लेट्स टेक सिंपल एग्जांपल्स, ये कुछ इजी क्वेश्चन देखते हैं। टू ऑब्टेन द लिमिट आई थिंक 1 cos θ, और नोटिस करो आप दिस एंगल गोज टू 0, तो मैंने इसे इस तरह से रीअरेंज कर लिया, ठीक, कर सकता हूं। नाउ आई थिंक अब ये जो रिजल्ट मैंने फॉलो किया उसकी हेल्प से प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो रहा है। 1 cos θ / θ² थीटा टेंड 0 और ये टर्म तो इजीली दिख रहा है। सो रिजल्ट इज 1/2 × 25/3 दैट इज 25/6, फाइन। ओके, लेट्स सी दिस सेकेंड प्रॉब्लम। 1 cos ऑफ 1 cos x डिवाइड बाई x की पावर 4। अगेन यू विल नोटिस कि दिस थीटा 1 cos θ, नोटिस करो ये थीटा 0 आ रहा है, x को 0 अप्रोच करने पर 1 - 1 विच अप्रोच 0। तो मैंने अगेन फॉर्मूले का यूज करने के लिए मैंने इस तरह से कुछ रीअरेंजमेंट कर लिया। अब आप फॉलो कर रहे हो कि ये डायरेक्टली फॉर्मूले में चेंज हो रहा है 1 cos θ / θ², ठीक, विच इज थीटा टेंडिंग 0 है ना, थीटा 0 है। सो दिस लिमिट इज 1/2 × दिस लिमिट, आई थिंक ये लिमिट तो डायरेक्टली एक्स टेंडिंग 0, सो दिस ऑल्सो इज 1/2, तो 1/2 square 1/2 square, तो फाइनल आंसर 1/8, ठीक। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं सभी को, है ना। लेट्स टेक द प्रॉब्लम। सो अगेन आप प्रॉब्लम में नोटिस कर सकते हो 1 - 1 विच इज 0 अपॉन 0, 0/0 इनडिटर्मिनेट, ठीक। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने रैशनलाइज कर लिया,
लाइक दिस, ठीक है, मैंने इस तरह से डिलीट कर लिया. नाउ कॉस 2x, फर्दर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन लिख सकता हूं, ठीक है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है. नाउ इफ आई ओपन ब्रैकेट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बिकम साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इज कॉमन, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर. ओके, तो आई थिंक अभी अब डायरेक्ट आंसर, दिस इज 1, दिस इज 1 प्लस 2 एंड दिस ऑल्सो इज 1 प्लस 1. तो फाइनल आंसर 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 1, 3/2. ओके, क्लियर. ओके, लेट्स टेक सम मोर प्रॉब्लम्स. लिमिट x टेंड्स π/2 ऑफ tan x अपॉन tan 3x. तो मैं सब्स्टिट्यूशन x इक्वल π/2 प्लस h ले रहा हूँ. ऐसा करने से दिस लिमिट बिकम नाउ डेफिनेटली x टेंडिंग π/2 होने पर h टेंड्स 0, सो दिस इज लिमिट h टेंड्स 0. आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन π/2 माइनस एच भी ले सकते थे, ठीक है. नाउ सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके दिस बिकम माइनस ऑफ कॉट एच माइनस ऑफ कॉट 3h, विच अगेन कैन राइट लाइक दिस. नाउ आई थिंक अब ये प्रॉब्लम फॉर्मूले में आ गया. इसे मैं डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि ये tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग 0 फॉर्म का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस रीजन से ये मैनिपुलेशन कर दिया मैंने. Now I think this limit is 1 and this limit is also 1. So my final answer is 3. Easy? आप चाहो तो इसे डायरेक्टली x में रह करके भी प्रॉब्लम कर सकते थे, बट ये सॉल्यूशन आई थिंक अच्छा है. तो अगर डायरेक्टली आप x टेंडिंग π/2 से ही करना चाहते हो तो you can use tan 3x formula, 3 tan x minus tan cube x over 1 minus 3 tan square thick. Now aisa karne se now notice kar sakte ho aap, tan x cancel, नो डाउट आप x टेंड्स π/2 प्लस कंसीडर करो या x टेंड्स π/2 माइनस कंसीडर करो, दोनों ही केस में tan x गोज टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, करेक्ट. तो ये नंबर एंडिंग इन्फिनिटी जा रहा है, तो उस रीजन से मैंने मैनिपुलेट कर लिया लाइक दिस.
आई थिंक अब मैं आंसर कर सकता हूँ. दिस बिकम ज़ीरो है ना, वन अपॉन इन्फिनिटी इज ज़ीरो. सो आंसर इज -3/-1. सो दिस अगेन बिकम 3. करेक्ट. ओके, लेट मी टेक अनदर प्रॉब्लम. लेट्स टेक दिस प्रॉब्लम. थोड़ा अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन होगा. नाउ इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे रीड कर रहा हूँ लाइक दिस. मैं टर्म्स को इस तरह से कलेक्ट कर रहा हूँ. नाउ आई थिंक दिस इज 10a-10b. नाउ साइन कॉस में नहीं कन्वर्ट करके मैं इसे 10 में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ. तो आई थिंक 10a-10b इज नथिंग बट 10 of a-b, 10 of a-b इंटू 1 + 10a-10b, 1 + ये आप 10 of a-b फॉर्मूले का रीअरेंजमेंट से आप ये स्टेप समझ पा रहे हो कि मैंने कैसे 10a-10b को 10a-b इंटू 1 + 10a-10b लिख दिया. नाउ सेम वे मैंने इस क्वांटिटी पर भी सेम मैनिपुलेशन की. 10a-10b इज अगेन 10a-b इंटू 1 + 10a-10b. नाउ 10 of a-b इज अगेन 10x, तो 10x कॉमन माइनस ऑफ 1 + 10a-10b. आई होप ये स्टेप सभी को क्लियर कि मैंने क्या किया हुआ है ना. मैंने 10a-10b को 10a-b इंटू 1 + 10a-10b यूज किया. अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हो. 10a + x कॉमन, नाउ रिमेन्स a + 2x - a. नाउ वी आर लेफ्ट विथ तो अभी मेरे पास ये मैनिपुलेशन आ चुकी है, तो एक्सप्रेशन मेरा इतना रिड्यूस हो चुका है. तो आप 100% समझ रहे हो कि मैं अगेन इस एक्सप्रेशन पर फिर फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ, विच इज 10a-b इंटू 1 + 10a-10b. तो अगेन फॉर्मूला अप्लाई करने से दिस बिकम 10 of a-b, which is 10 2x, into 1 + 10a-10b. Over x square. अब x square को मैं कुछ simple manipulation कर रहा हूँ. x 2x, तो मैंने balance कर लिया 2. लिमिट एक्सटेंड्स 0. नाउ आई होप कि अब हम आंसर इसका दे सकते हैं.
ठीक है ना. तो नाउ दिस एक्सटेंडिंग जीरो इज वन, एक्सटेंडिंग जीरो दिस ऑल्सो इज वन. तो फाइनल आंसर टू प्रॉब्लम, दिस बिकम टेन ए एंड दिस बिकम वन प्लस टेन स्क्वायर ए. तो फाइनल आंसर टू टेन ए वन प्लस टेन स्क्वायर ए, दैट इज टू टेन ए sec square a. So this is my final answer. Simple. I hope problem सभी को समझ में आ गया होगा. ठीक है, आसान problem था. Okay, let me take another problem. Curly bracket denoting fraction part of x. ठीक है ना, fraction part function. Now extending 8. So I think यहाँ पर इस प्रॉब्लम में मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की नीड हो रही होगी, बिकॉज इंटीजर के राइट में फ्रैक्शन और इंटीजर के लेफ्ट में फ्रैक्शन. ठीक, तो एक काम करते हैं, एक बार हम डायरेक्टली रीड करते हैं LHL एंड RHL. Now if I read in the left, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस प्रॉब्लम को चाहो तो सिंपल लिख सकते हो. आई थिंक हर कोई फैमिलियर है, फ्रैक्शन एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड. क्या होता है पीरियड? वन. मैं इस लिमिट को रिड्यूस कर सकता हूँ, साइन ऑफ फ्रैक्शन एक्स ओवर माइनस एक्स, फ्रैक्शन ऑफ माइनस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू एट. अब एक बार इसका ज़रा चेक तो करें कि फॉर्म क्या है ना. अगर मैं 8 प्लस पर देखूं तो किसी भी इंटीजर से जस्ट बिगर पर फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आती है? जस्ट बिगर, है ना. तो इंटीजर से जस्ट बिगर, आई थिंक जिसको फ्रैक्शन एक्स का ग्राफ का आइडिया है, तो अबाउट एन इंटीजर ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन इज लाइक दिस. एट एनी इंटीजर, लेट से आई, तो इंटीजर के जस्ट राइट में अगर हम देखते हैं तो वैल्यू फ्रैक्शन की जीरो आ रही है, और जब हम इंटीजर के जस्ट लेफ्ट में देखते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू वन आ रही है. ठीक है, तो अगर मैं राइट हैंड की बात करूं तो आई थिंक ये एट से बिगर, और एट से बिगर नंबर का फ्रैक्शन क्या हुआ? जीरो. ठीक है, सो दिस विल बिकम साइन ऑफ जीरो. नाउ माइनस, मैंने एट से बिगर बोला तो माइनस ऑफ एक्स इज लेस देन माइनस एट, और माइनस एट से लेस आते ही है ना, माइनस एट से जस्ट लेस, तो इंटीजर से जस्ट लेस होने पर क्या हुआ? फ्रैक्शन इज वन. यहां देखो मैंने दिखाया हुआ है कि इंटीजर के जस्ट राइट पर फ्रैक्शन की वैल्यू जीरो और इंटीजर के जस्ट लेफ्ट पर फ्रैक्शन की वैल्यू वन. तो मैंने माइनस एट से जस्ट लेस पर बात की, तो ये क्वांटिटी माइनस एट से लेस पर फ्रैक्शन वैल्यू इज वन. तो आई थिंक ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया, है ना. सो राइट हैंड लिमिट RHL, मैंने ऑब्जर्व किया अबाउट RHL, मोर देन एट का फ्रैक्शन जीरो, साइन जीरो अपॉन लेस देन माइनस एट, लेस देन माइनस एट का फ्रैक्शन is 1, तो लिमिट बिकम 0. फाइन. नाउ अब अगर मैं LHL पर जाऊं, बात को समझने की कोशिश करना. ठीक है, 8 से लेस, 8 से लेस का फ्रैक्शन इज 1, x
x less than 8, then minus x, more than minus 8, minus 8 से bigger, ठीक है. Now integer से bigger, integer से bigger पर fraction tends to 0, correct. So tends to 0 होते ही quantity tends to plus infinite, ठीक है. तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ calculation की need ही नहीं आई है ना, ये तो मैं just limit की form check कर रहा था कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है भी या नहीं, और उसमें मुझे डायरेक्ट आंसर आ गया. तो इसका मतलब है आंसर टू प्रॉब्लम इज लिमिट नॉट एग्जिस्ट. तो मेरा प्रॉब्लम का आंसर विल बी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना. जो लोग डायरेक्टली जो मैंने ऑब्जर्वेशन दिए अगर डायरेक्ट नहीं रिकॉग्नाइज कर पाए हैं तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन से भी जा सकते हैं. अगेन मैं ये मैनिपुलेशन तो यूज करूंगा. ठीक है, अब थोड़ा कैलकुलेशन की हेल्प से जाते हैं. LHL, LHL इज वॉट, लिमिट h टेंड 0, f ऑफ 8 माइनस h, f ऑफ 8 माइनस h. इसे मैं लिख सकता हूं स्क्वायर ब्रैकेट डिनोटिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर. नाउ आई थिंक ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसाइड हो रहा है. दिस नंबर इज लेस देन 8, जस्ट लेस देन 8, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 7. दिस नंबर इज मोर देन माइनस 8, है ना. आप हर कोई समझता है h इज ए पॉजिटिव नंबर, राइट. जब हम f ऑफ a प्लस h एंड f ऑफ a माइनस h फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो वहां पर आई एम यूजिंग h टू बी पॉजिटिव, करेक्ट. सो माइनस 8 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज माइनस 8. तो अभी क्या हो गया, तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि व्हाट हैपेंस टू दिस लिमिट साइन ऑफ 1 अपॉन 0, है ना. ये फॉर्म आ रही है फाइनाइट अपॉन 0, सो दैट टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट. तो आई थिंक लेफ्ट हैंड लिमिट इज क्लियर टू ऑल, ठीक है. तो हम लोग कैलकुलेशन से भी प्रॉब्लम कर सकते हैं ना. जैसे मैंने लास्ट सॉल्यूशन दिया था दैट वॉज बेटर इनफैक्ट, जिसकी अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन फंक्शन को लेकर के है उसको सॉल्यूशन बेटर लगेगा, ठीक है ना. लेकिन अगर सपोज करो हम इतना फास्ट नहीं अप्लाई कर पाते हैं तो इस सॉल्यूशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक. नाउ लेट्स गो टू राइट हैंड लिमिट. RHL, f ऑफ 8 प्लस h, ओके. आई थिंक अगेन मैं लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर को फिर रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ. आई थिंक दिस नंबर इज मोर देन 8,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, क्या होगा, विल बी 8, फाइन। एंड व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, ग्रेटेस्ट इंटीजर इन डिनोमिनेटर विल बी व्हाट, आई थिंक दिस नंबर इज लेस देन माइनस 8, सो लेस देन माइनस 8 का GIF इज माइनस 9, ठीक है ना। तो अभी प्रॉब्लम becomes this and which directly equal 0, 0 upon 1, so limit is 0, fine, so problem clear to all, right. Let me take one more problem. Zero plus. Let's take this problem. This time I am only interested in x tending 0 plus. Fine. I think har koi samajh raha hai ki इस एक्सप्रेशन की लिमिट 0 माइनस पर डिफाइंड ही नहीं है, है ना, क्योंकि 0 माइनस पर रूट डिफाइंड नहीं होगा, 0 माइनस पर, करेक्ट, एज वेल एज कॉस इनवर्स भी डिफाइंड नहीं होगा, 0 माइनस होने पर ये नंबर 1 को एक्सीड कर जाएगा, तो ये लिमिट सिर्फ और सिर्फ 0 प्लस पर एग्जिस्ट करेगी। तो प्रॉब्लम इज टू फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग 0 प्लस। नाउ टू सॉल्व दिस मैं सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूं, लेट्स टेक दिस टू बी थीटा, ठीक। नाउ दिस इंप्लाइज सो एक्स कम्स आउट 1 माइनस कॉस थीटा। अभी लिमिट ट्रांसफॉर्म हो गया थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ व्हाट अबाउट थीटा, थीटा टेंड्स टू कैन ईजिली ऑब्जर्व, एक्स जीरो लेने पर कॉस इनवर्स ऑफ वन, एंड कॉस इनवर्स ऑफ वन कितना होता है, जीरो, थीटा टेंड्स टू जीरो। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा थीटा टेंड्स टू जीरो प्लस ऑनली, है ना, जब हम जीरो, ये नंबर जस्ट लेस देन वन, और जस्ट लेस देन वन पर कॉस इनवर्स की वैल्यू जीरो से जस्ट बिगर, तो ऑटोमेटिकली दिस एक्सप्रेशन बिकम थीटा टेंड्स जीरो प्लस, ठीक। नाउ क्योंकि थीटा पॉजिटिव है तो जो थीटा लिखा हुआ है उसे मैं इक्वल टू मॉड ऑफ थीटा लिख सकता हूं, डेफिनेटली, क्योंकि थीटा इज ए पॉजिटिव नंबर, फाइन। एंड आई थिंक थीटा, मॉड थीटा इज नथिंग बट अंडर रूट थीटा स्क्वायर, सो दिस कैन रीड लाइक दिस, जीरो प्लस। आई थिंक अभी डायरेक्ट आंसर हो गया, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर इज हाफ, सो दिस बिकम टू, तो आंसर इज रूट टू, ठीक है ना। वो रिजल्ट हमने डिराइव किया था, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, लिमिट थीटा टर्निंग जीरो इज हाफ, तो आई थिंक आंसर टू प्रॉब्लम बिकम इक्वल टू रूट टू, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम सभी को समझ में आ गया होगा, आसान है, ठीक है, तो इसमें कोई डिफिकल्टी सब किसी को नहीं लग रही होगी, ठीक। अब चलो एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिफरेंट प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इस प्रॉब्लम का आंसर तो रूट टू हो गया, इसका आंसर तो रूट टू है, ठीक। मैं एक डिफरेंट प्रॉब्लम ले रहा हूं, मान लो कि जो प्रॉब्लम मैंने किया अभी, इन प्लेस ऑफ इट आई एम टेकिंग अ डिफरेंट क्वेश्चन, एक्स टेंड्स जीरो
सपोज कि प्रॉब्लम अगर मेरा ये है तो क्या आंसर होगा, ठीक है, तो आप डिफरेंस फील करना है ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम में चेंज करते कितना फर्क आता है. सपोज द प्रॉब्लम इज दिस, ठीक. नाउ आई थिंक अब मुझे, मैं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का यूज करना चाहता हूं, तो आई थिंक अगर मैं इस क्वांटिटी को मॉड एक्स से कंपेयर करूं तो अब मुझे प्रॉब्लम है. हर किसी को दिख रहा है कि एक्स जीरो प्लस और एक्स जीरो माइनस में फर्क आएगा, तो आई एम टॉकिंग अबाउट एलएचएन. एक्स टेंस जीरो माइनस, क्या जीरो माइनस पर मैं एक्स को माइनस ऑफ मॉड एक्स बोल सकता हूं? थिंक ओवर इट, सोचो बात को, बहुत आसान बात है. बिकॉज एक्स इज नेगेटिव, एक्स को मैंने माइनस मॉड एक्स लिख लिया, ठीक. नाउ अगेन, अब तो सेम कैलकुलेशन जो मैंने अभी किया था, नाउ आंसर बिकम माइनस ऑफ रूट टू, करेक्ट. सो एलएचएल इज माइनस रूट टू. नाउ अगर मैं आरएचएल की बात करूं, एक्स टेंड जीरो प्लस, नाउ दिस टाइम क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, क्या मैं एक्स को मॉड एक्स लिख सकता हूं? राइट, लिख सकता हूं. सो तो अभी मैं डायरेक्ट आंसर पुट कर रहा हूं, दिस विल बी रूट टू. नाउ तो मेरे प्रॉब्लम का आंसर क्या हुआ? तो आई थिंक हर कोई समझ रहा है कि एलएचएल एंड आरएचएल डिफर, दे आर नॉट इक्वल. सो आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज लिमिट नॉट एग्जिस्ट. फाइन, तो आई थिंक आप डिफरेंस को समझ पा रहे हो ना, प्रॉब्लम में वेरिएशन करने से कितना फर्क आ जाता है, वो बात आप फॉलो कर रहे हो ना. तो जब भी अपन प्रॉब्लम करें तो बहुत केयरफुल रहें, ठीक है. तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डीप होनी चाहिए आपकी, ठीक है, बिकॉज थोड़ा भी अपन कैजुअल हुए तो प्रॉब्लम देख सकते हो आप, है ना, कि अभी पिछले क्वेश्चन में किया था तो हमें आंसर आया था, बट अभी इस प्रॉब्लम में आंसर नॉट एग्जिस्ट हुआ, ठीक. ओके, राइट, सभी को क्लियर है ये?